टोपन बोर्ड 12th का जो इस बार मेन सिलेबस रहेगा वो रहेगा, जैसे कि ये चैप्टर 1 दे रखे हैं, तो जो आपको ये चैप्टर 1 दे रखा है माई फर्स्ट स्टेप्स, ये नहीं कट हो गया, चैप्टर 2 लेज़र ये कट हो चुका है, चैप्टर 3 में रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग कट हो चुका है, चैप्टर 4 भी कट हो चुका है, चैप्टर 5 भी कट हो चुका है, चैप्टर 11 भी कट हो चुका है, 15 भी, 19 भी, 22 और 25 भोली वाला भी। तो मतलब सारे चैप्टर कट हो चुके हैं, आपने इसके निशान लगा लेने हैं अपने नोटबुक में कि ये चैप्टर कट हो चुके हैं। अगर आप पेपर की अभी तैयारी कर रहे हो, जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बस आपके ही हैं, चैप्टर जो 6 है माइंड एंड मदर हाउस, चैप्टर 7 में रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग जो पैराग्राफ आता है उसमें सेंसर ढूंढने होते हैं, चैप्टर 8 ए में केस ऑफ सस्पिशियस, 9 में माई सन विल नॉट अ बेगर, चैप्टर 10 में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, 12 इफ आई वर यू, 13 द टाइगर इन द टनल और 14 में द रो नो टेकन, ये पोइट्री है आपकी, 16 में आई मस्ट नो द ट्रूथ, ये भी पोइट्री है, 17 में इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर ये लेसन है, 18 में 19 ऑफ स्क्रोपियन और 21 से लेके 24 ये जो चैप्टर दिए गए ये रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा उसके नीचे कुछ MCQ क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको अपने पैराग्राफ में से मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 6, 7, 8 की, तो ये जो चैप्टर जितने भी चैप्टर उन्होंने यहाँ दिए हुए हैं जो चैप्टर्स हैं वो लगभग लगभग चैप्टर्स इस बार आपके आएंगे 30 मार्क्स से लेके 35 मार्क्स तक के चैप्टर ही चैप्टर जाने वाले, जिससे कि आप अगर चैप्टर भी करके जाओगे तो भी आप पास हो जाओगे। और रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ग्रामिकल पार्ट आ जाता है, तो ये भी लगभग आपका आज ग्रामर की अगर हम बात करें तो ये भी कम से कम आपकी 30 से लेके 45 मार्क्स के आसपास से तो ग्रामर ही ग्रामर रहती है। तो मतलब इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको अब बेस्ट टॉपिक कौन सा है। बाकी कुछ अदर जो जैसे कि एसे लेटर्स वो अलग होगी, 5-5 मार्क्स की आती है, लेकिन ये इंग्लिश का इस बार टोटल सिलेबस रहने वाला है। अब आपने देखना है कि आपको रीडिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामिकल सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी ग्रामर हमने बनाई हुई है जिसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ग्रामर आप इजीली इंग्लिश की ग्रामर को कर लेंगे।